वैक्सीनेशन रेगुलर होती है, डिवर्मिंग रेगुलर होती है एनुअल बेस पे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हम नीड, अकॉर्डिंग टू सीजन हम डिवर्मिंग भी करते हैं। इनकी हूफ ट्रिमिंग की जाती है, हूफ ट्रिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो AI के बुल्स होते हैं ना उनके लिए, वैसे भी हर एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माउंटिंग के लिए, ज़्यादा इनका लेग इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो उसके अलावा स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ मैनेजमेंट में। स्क्रीनिंग क्या होती है कि बुल हमारे ठीक है, हमें पता है ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी रूटीन में हम इनके हर साल TB, ब्रुसिलोसिस, ब्लड पैरासाइट्स, फीकल पैरासाइट्स, इनकी हम रेगुलर एनुअल स्क्रीनिंग करवाते हैं कि हमें पता हो कि हमारे बुल का स्टेटस क्या जा रहा है। ये वो डिजीज हैं जो कॉमन भी हैं और जिनका रिस्क ज़्यादा है हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो ये इनकी ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट है। अगर एक बुल को डिजीज नहीं आई तो उसे कितने साल के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल ठीक, डिजीज नहीं आई कितने साल के लिए यूज करते हैं, ये कोई कोरिलेशन बनता नहीं है। नहीं, एवरेज कितना यूज होता है? जानवर है ना, बीमार हो सकता है कोई बुल, देखा जाएगा कौन सी उसको मसला है ना, वो उसको ट्रीट किया जाएगा। कितने अरसे के लिए रखते हैं? देखिए कम अज कम 5 साल के लिए कम अज कम रखना चाहिए। हमारे पास तो एक बुल 21 साल का भी है, मतलब 1.5-2 साल की उम्र में बुल हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमारे पास 12 साल वाले भी हैं, 15 साल वाले भी हैं, 8-9 यंग सारे हैं हमारे पास, पूरी रेंज बैच होते हैं ना, बैचेज आते हैं पीछे से हमारे पास। हेल्थ के ज़्यादा इशू देखे ना, हूफ के, हॉर्न्स कैटल में, तो जो अब साहिवाल के नए बुल्स आते हैं ना उनकी डीहॉर्निंग पीछे से हुई हुई होती है, पुराने साहिवाल के बुल्स हैं उनके हॉर्न्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो हॉर्न्स के कुछ आ जाते हैं इंजरी के मसले, ये हूफ के आ जाते हैं लेमनस के, जो ये रूटीन के होते हैं, ठीक है। बाकी फीवर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आ जाती होती हैं, अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब जो इंचार्ज है सेक्शन इंचार्ज, ये उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? जी ये अब आपने जो सवाल किया ना, ये हमें आपको बताना था, स्पेशल हमारे जेन में भी था कि आपको हम बताएंगे। कोई और सवाल हेल्थ के हिसाब से है तो पूछ लें, अब हम टॉपिक चेंज करने लगे ना। देखें अगर बुल प्रूवन हो जाए ना, फिर तो जब तक वो जिंदा है हमारे पास ही रहेगा, हम उसको नहीं भेजेंगे, वो तो बहुत कीमती बुल बन गया ना, प्रूवन हो गया। एज के साथ फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। जो हमारे पास एजेड बुल खड़ा है 20-21 साल का बफलो का, वो लास्ट टाइम कब दिया उसने सिमंदर साहब? लास्ट मंथ, मतलब वो महीने में, 2 महीने में एक दफ़ा दे देता है, ठीक है, 3 महीने में एक दफ़ा दे देता है, लेकिन हमने उसको रखा हुआ है। चले आपको फिर पहले लैब का ना जो सैंपल हमने लिए